डे स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक सुनामी से रिलेटेड है सुनामी वर्ड आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़ में तो सुनामी वर्ड जो है ये एक्चुअली जापानीज वर्ड है जापानीज औरिजन है इस वर्ड का सो नामी सो मीन्स हार्बर एंड नामी वे सो मीन्स हार्बर वे इन अदरवर्स वी कैन से सुनामी इज़ अ हार्बर वेव

फ्लोर अक्सर बेशर डिस्प्लेस या स्लिप होता रहता है तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे सी वेज सी वे जनरेट होती रहती है जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है या लास्ट कहेंगे कि पास्ट में भी हुआ है तो इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले इसके रिलेटेड जो है स्टडी और रिसर्च स्टार्ट की तो उन्होंने ये वर्ड फिर क्विन किया तो ये किस तरह जनरेट होता है सोनामी जो है ये किस तरह जनरेट होती है क्यों होती है ये हम इस आ, क्लिप में डिस्कस करेंगे जैसे मैंने पहले बताया सुनामी इज जनरेटेड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशन फ्लोर ड्यूरिंग अर्थक्वेक अर्थक्वेक जिस तरह कॉन्टिनेंट्स में भी आते हैं इसी तरह ओशन फ्लोर भी डिस्प्लेस होता रहता है हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकल भी जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये यह फॉल्ट है ओके okay. फॉल्ट के अलॉन्ग जो है दिस इज फॉल्ट ट्रेस यहाँ पर हमें दिख रहा है इस फॉल्ट के अलावा जो है डिसमेंट ओशन फ्लोर या सी फ्लोर हो जाता है ओके ड्यू टू रिलीज ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस सो उसकी वजह से क्योंकि एक ह्यूज वाटर कॉलम होता है इन किलोमीटर्स हंड्रेड थाउजेंड सब मीटर्स ये वाटर कॉलम होता है फोर फाइव किलोमीटर्स कहीं पर उससे भी ज़्यादा तो उसमें जो डिस्टर्बेंस हो जाती है एक थ्रस्ट आ जाता है तो उसकी वजह से जो अपवर्ड थ्रस्ट जो है फ्लोर डिस्प्लेस होता है उस डिसप्लेसमेंट की वजह से जो है वाटर कॉलम जो है उसमें भी डिस्टर्बेंस जो, जो है आ जाती है तो वहाँ पर उस थ्रास्टिंग या फट थ्रास्टिंग की वजह से फिर जो है वेव्स जनरेट हो जाते हैं इसी तरह आप मान लीजिए जब डिसप्लेसमेंट हो जाती है एनर्जी रिलीज़ हो जाती है तो ये वेव इसी तरह जनरेट होती है सुनामी इसी तरह जनरेट होती है जिस तरह आप मान लीजिए आप कोई कंकर डालते हैं या फेंकते हैं किसी पौड़ में जब हम ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर जो है आप देखते हैं कि कंसेंट्रिक रिपल्स उसमें से छोट छोटी छोटी वेव्स जो है उनको हम रिपल्स कहते हैं तो अप्स एंड डाउन उसमें होता है कंसेंट्रिक वेव लेकिन ये एनोलॉजी है लेकिन ये रिपल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं और फिर डाई आउट हो जाती हैं फ्राम द पॉइंट ऑफ औरजन यहाँ पर क्या यहाँ पर रिवर्स है एक तो ये स्ट्रांग वेव्स होती हैं ह्यूज वेव्स होती हैं और ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और उनकी वेव हाइट ज़्यादा जो है शोर पे होती हैं जितना ही औरजन से दूर चली जाती है तो ओपन ओशन फ्लोर में जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर में वेव्स जनरेट हो जाती हैं ये आप सी लेवल मान लीजिए दिस इज सी लेवल ओके ये वाटर लेवल आप लीजिए जिसको हम सी लेवल कहेंगे दिस इज वाटर कॉलम तो वेव्स जब जनरेट होते ओपन ओशन फ्लोर में जो है जो वाटर डेप्थ जहाँ पर ज़्यादा होता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जो सी वेव की स्पीड जो है इट इज़ अबाउट एट हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर एट हंड्रेड थर्टी फाइव किलोमीटर एट फिफ्टी किलोमीटर समथिंग लाइक दैट और जो वेव हाइट होती है वो ऑलमोस्ट एक मीटर के आसपास होती है वेव हाइट मींस ओपन ओशन में वेव जो है बहुत तेज़ चलती है लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट वाटर का जो होता है वो ज़्यादा नहीं होती है वेव हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है ओके सो दैट मींस द स्पीड ऑफ द वेव इट मूविंग अक्रॉस द ओशन ओके इट कोरिलेट्स विद द ओशन डेप्थ सो जू ही जूही ये वेव जो कॉन्टीनेंट की तरफ आती है या सीशोर की तरफ आती है तो ओशन जो वाटर कॉलम है या ओशन की जो डेप्थ है ये भी हम कह सकते हैं दिस इज़ बॉड बेड ओके वो डिक्रीज होता रह, जाता है वो कम जो है या वाटर डेप्थ जो कम होती है देन व्हाट हैपन्स सुनामी जो है वो उसकी वेव हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता ओके okay, और जो स्पीड है वो कम हो जाती है अबाउट थ्री हंड्रेड फोर थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड किलोमीटर जो है पर आवर जो है वेव की स्पीड होती है और जूँ ही ये कोस्टल एरिया के नज़दीक पहुंच जाती है जूँ ही वाटर डेप्थ जो है वाटर कॉलम का डेप्थ जो है वो कम होता जाता है तो इस वाटर को क्या हो जाता है एक रेजिस्टेंस या ड्रैग जो है इफेक्ट लगता है उस वेव को उसकी वजह से क्या होता है कि वेव जो है वो स्लो डाउन हो जाती है लेकिन जो हाइट है, है वाटर जो, जो है वो पाइल अप होना शुरू हो जाता है मीनस जो डिस्प्लेसमेंट है वाटर की या वाटर हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है ओके okay? जो स्पीड होगी वो कम हो जाती है अबाउट फिफ्टीन फिफ्टी किलोमीटर पर आवर देट जो इसकी रफ्तार है वो कम हो जाती है ओके okay, आहिस्ता आहिस्ता चलती है लेकिन जो ही ये शैलो डेप्थ्स में पहुंचती है शेलो ओशन डेप्थ्स में पहुंचती है तकरीबन जहां पर 20 मीटर डेप्थ हो ओशन वाटर का या बॉट सरफेस से बॉटम तक फ्लोर तक तो वे इट्स स्टार्ट गेनिंग हाइट क्यों गेन हाइट करता है बिकॉज जो है वाटर कॉलम जो है वाटर स्टार्ट स्पाइलिंग ओके ग्रेजुअली इट्स पायलिंग अप okay? जो टू डिक्रीज इन डेप्थ ओके सो दिस डिक्रीजिंग डेप्थ इज स्लोज डाउन द मोमेंट ऑफ़ द वेव कॉलम जो कि ह्यूज वेव कॉलम चलती है तो ही ये शेलो डेप्थ्स में शेलो वाटर्स में ठीक है स्लो हो जाती है तो हाइट इंक्रीज हो जाती है और ये तब तक इंक्रीज हो जाती है जब तक ये टॉपल ना हो जाए मीनस गिर ना जाए और शोर पर यह फारवर्ड या प्रोपागेट हो जाती है एंड दैन इट रश इज ऑन टू दि शोर विथ ट्रमेंडिस फोर्स ओके तकरीब तकरीब जो शोर के नज़दीक जो हाइट गें करती है ये वेव दैट इज अबाउट थर्टी मीटर अबाउट दैट मीनस कि सौ फीट के आसपास तक भी ये वेव हाइट गन हो जाती है उससे भी ज़्यादा किसी सूरत में ओके नियरली अबाउट हंड्रेड फीट ओके So, इससे क्या हो जाता है जो भी कोस्टल एरिया होते हैं जो कोस्टल एरिया में जो भी हा शिप्स होती हैं या बीच होते हैं या होटल या पॉपुलेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन या जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं इट डिवास्टेट्स एवरी थिंग वेदर नेचुरल स्ट्रक्चर्स वैदर मैन मेड स्ट्रक्चर ये सब को तबाह कर देती है सो so, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में प्लेंस में हार्बर्स में तबाही मचाती है जापान में भी जिस तरह इसने ये मचाती रहती थी इसी उसको हार्बर वे फिर नाम दिया गया तो कोस्टल एरियाज़ में क्योंकि हिमालय में तो नहीं आएगी जहाँ पर समंदर होंगे वहाँ पर ही ज़्यादा ये अच्छा प्रॉब्लिटी होती है कि जो सुनामी आ जाए या आती है तो वहाँ पर इसलिए उन प्लान में फिर डिस्ट्रक्शन होती है और प्रॉपर्टी लॉस और ह्यूमन लॉस होता है सो दिस इज़ अबाउट दिस इज़ दिकेमेटिक डायग्राम ऑफ दिस सुनामी किस तरह जो डिसप्लेसमेंट की वजह से फिर किस तरह वेव जो है पायल अप हो जाता है ओके कई कुबार जो ओपन ओशन में बिल्कुल पता ही नहीं चला क्योंकि वेव हाइट कम होती है इट गेट्स अनोटिस्ड जो ही ये शोर के नज़दीक आता है वहाँ पर इसकी हाइट जो एंग होती है आपने क्लिप्स भी यूट्यूब पे देख सकते हैं इसके बारे में सो so, एक जो सुनामी के बारे में जो एक वार्निंग है नेचुरल वार्निंग जिसको हम कहेंगे कि जिससे हमें पता चलता है या सी शोर पे जब कोई होता है तो उसको नोटिस अगर कर ले तो जो फर्स्ट वार्निंग होती है इस अप्रोचिंग सुनामी की वो इस तरह होती है कि जो सी वाटर होता है ओके तो ये इस बीच से या सी शोर से कोस्ट लाइन से रिट्रीट करता है समंदर की तरफ वापस पानी भागता है रश करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है जो तो बीच जो खाली हो जाते खुश्क हो जाते हैं तो उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद जो वेव अगेन आफ्टर रिट्रीट इट इनग्रेस इट ट्रांसग्रेसिज या इट रश दिस कोस्टल एरियाज डिस्ट्राइंग एवरी थिंग वट एवर कम्स टू इट्स पाथ ओके सो तो कोस्टल रेजिडेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत बार जो है ये अर्ली वार्निंग जो है उनको जान लिया है बांप लेते हैं तो फिर वो इसी तरह मैसेज फारवर्ड करते हैं तो इससे बहुत सारा डैमेज उन कोस्टल एरियाज में बहुत बार जो है डैमेज से बचाया गया तो वो हाई रीचेज में चले जाते हैं पहाड़ की तरफ या और कहीं तो जिसकी वजह से जो है लॉस से बच जाते हैं ओके सो दीज आर सुनामीज दे कम इन अ सीरीज ऑफ वेव्स आफ्टर सम इंटरवल एंड दे रश टुवर्ड्स द प्लेनर कोस्टल प्लेनर एरियाज डिस्ट्रॉइंग एवरी थिंग कुछ इंटरवेल्स के बाद ये आते हैं ओके इंटरवल इनमें में दस मिनट से साठ मिनट तक होता है सेपरेटेड बाय सम एंड दे कम इन ए सीरीज सक्सेसिव फैशन में ये सर जाता है जिससे जो है रैपिडली फिर ये शोर की तरफ आता शोर की तरफ वापस भी जाता है और जिस कोस्टल एरियाज जो हैं ऑन शोर और आप शोर ये सुनामी जो है जो है, या वे मोशन है या टायर या या जो यावस जो हैं की सर्च होती है सो दिस इज़ अबाउट दिस सुनामी हाउ इट इज जनरेटेड वट कैन इट कॉल सो मोस्टली ये अर्थ या जिसको हम सब मरीन अर्थ कहेंगे उसकी वजह से जो है आता है सी फ्लोर जब डिस्प्लेस होता है तो सर आता है ओशन वाटर में ह्यूज वेव जनरेट होती है सचमिक सी वेव जो उनको कहते हैं बहुत सा बहुत इंस्टेंसिस ऐसे हैं जो कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से ओशन फ्लोर में लैंड स्ल जो है अदर उनको ये उनको हम आइलैंड्स कहते हैं आइलैंड्स में लैंड स्लडिंग की वजह से जो है जनरेट हुई हैं कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक जैसे अलास्का एक जगह है ओके जो कि अमेरिका में है 1964 में वहाँ पर इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से ह्यूज सिस्मिक वेव जनरेट हुई थी जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉस हुआ था सो समाइम्स वालकिनिक इरपशन की वजह से अगर आई में वालकनिक इरप्शन उसकी वजह से भी ये वेव्स जनरेट होती हैं मोस्ट ऑफ एन एंड मोस्ट डिस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी इन दोशन फ्लोर सो दिस इज़ ऑल अबाउट सुनामी सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो वालकिनों से रिलेटेड होगा इस तरह से अर्थ को हमने कम्प्लीट किया ये चैप्टर